हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मॉर्निंग में खाने के लिए चटपटा टेस्टी और पौष्टिक सलाद, जो आप क्योंकि आजकल व्रत चल रहा है तो आप इसको सुबह मॉर्निंग में बना कर खा सकते हैं। और जैसे फैट की प्रॉब्लम है, जो मोटा है उसे डाइटिंग कर रहा है, उसके लिए बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ही लाभदायक भी है। सो ये सलाद बनाकर आप ज़रूर खाएं और एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखें। ये फैट भी नहीं बढ़ाता है और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा होता है। ये आप व्रत में भी खा सकते हैं या आप वैसे भी नॉर्मल डेज में भी इसको बना के खा सकते हैं सुबह। इससे पेट भी भर जाता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है और आपको एनर्जी भी मिलती है। तो दोस्तों, हमने इसमें जो चीज़ लिए हैं वो सब मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने खीरा लिया है, मैंने खीरा लिया, उसको छोटा छोटा काट लिया वो आप अपने। ये मैंने गाजर ली है और छोटा काट लिया है। टमाटर, एक टमाटर को छोटा काट लिया है और आधे पीस सेब को छोटा छोटा काट लिया है। मेरे पास कुछ अनार के दाने हैं, उसको मैंने निकाल के रख लिया है। हरी धनिया की पत्ती चॉप करके रख ली है छोटे टुकड़ों में। और आधा कटा हुआ मिर्चा लिया है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार अधिक कम कर सकते हैं। ये मैंने आधा नींबू लिया है। और ये मैंने एक कटोरी के लगभग मूंगफली का दाना लिया है, जो मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और उसे सुबह छान के निकाल लिया है। ये भीगा हुआ मूंगफली का दाना है, देखिए एकदम भीग चुका है ये, तो मैंने इसे रात भर भिगो दिया था। ये मैंने आधा चम्मच जीरे का पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप व्रत, ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, अगर आप व्रत नहीं है तो इसमें काला नमक, काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला ऐड करें, जिससे ये और भी टेस्टी लगेगा। इसमें व्रत के लिए बनाए तो उसमें चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट ना डालें। ये मेरे पास सेंधा नमक है, मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये व्रत के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इजी है और टेस्टी पौष्टिक सारे गुण इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें गैस जलाने की, आपको किसी चीज़ की, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने मूँगफली को एक पॉट में रख लिया है। अब इसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। मूँगफली में पहले हमने खीरा डाल दिया है, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया हुआ है। ये गाजर है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चुकंदर है या अंकुरित चना है, आप व्रत नहीं है तो भी इसको ऐड कर सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। ये टमाटर डाल दिया, ये सेब छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डाल दिया है, और ये अनार के दाने डाल दे रहे हैं। थोड़े से अनार के दाने हमने बचा ले रहे हैं क्योंकि इसको ऊपर से गार्निश करने के काम आएंगे। आप इसमें चुकंदर भी आराम से ऐड कर सकते हैं। मूंग की दाल अंकुरित, आप खड़ी मूंग को अंकुरित करके इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप व्रत नहीं हैं तो। अंकुरित चना ऐड कर सकते हैं, चुकंदर ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आधी चिली डाल दी है और ये कटा हुआ थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डालें अगर आप चाहते हैं तो। ये जीरे का पाउडर सिर्फ मैंने लिया है क्योंकि ये व्रत है। ये काला नमक नहीं, सॉरी, सेंधा नमक है। आप काला नमक ऐड करें अगर आप व्रत नहीं हैं तो, जिससे उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आधा नींबू है, इसका रस हम डाल दे रहे हैं। नींबू भी अपनी क्वांटिटी के अनुसार आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो खट्टा लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं वो और डाल सकते हैं। और अगर इसमें आप चाट मसाला डालते हैं तो भी नींबू को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा खट्टापन होता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल टेस्टी चटपटा। अब बस इसे सर्व करना बाकी रह गया है, एकदम बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना टेस्टी और यमी दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी इसको
सुबह ब्रेकफास्ट में एक प्लेट ज़रूर लें। अब चलिए इसे हम प्लेट में सर्व कर देते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, मैं इसमें इसे सर्व कर दूँगी। यह आप कभी भी बना के खा सकते हैं, इजी गोइंग है और टाइम भी आपका बहुत कम लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा चाट जो कहें, सैलेड कहें या ब्रेकफास्ट कहें, सब कुछ है, बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप इसमें बॉयल आलू काट के डाल देंगे छोटा छोटा तो भी टेस्टी लगेगा। ये मैंने कुछ मूंगफली के भुने हुए दाने डाले हैं जिससे उसका टेस्ट बीच में बहुत अच्छा अच्छा आएगा और टेस्टी लगेगा। ये अनार के दानों से मैंने गार्निश कर दिया है और इस पे थोड़े से धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब हमारा सैलड बनके तैयार हो गया है बिल्कुल खाने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपके पास बॉयल आलू है तो आप उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में करके इसमें डाल सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। क्योंकि मेरे पास आज नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला ना, मैं तो अक्सर डाल लेती हूँ। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना, ज़रूर बना के ट्राई करें और बहुत ही टेस्टी आपको पसंद आने वाला है ये। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कोई रेसिपी और बना के बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू।